हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेनिस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ। सो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को थंबनेल देखने से ही पता लग गया होगा, नेचुरल सॉल्ट भी लेकर आई हूँ कि नेचुरल सॉल्ट से आप कैसे अपनी ब्यूटी को और अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो जो सॉल्ट है, आप सभी को पता है, नमक आप सबके घर में होता है, किसी भी फॉर्म में होता है। आप लोग टाटा सॉल्ट, नमक या अनदर रॉक सॉल्ट यूज़ करते हो, तो उस सॉल्ट से आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो। जैसे कि इस समय रेनी सीजन चल रहा है और आपकी स्किन रहती है बहुत ही डल डल सी, और आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग की स्किन पे पैचिनेस फील होता है, आपको एक तरह से स्वेटिंग की जो है लेयर लगती है या चिपचिप सा महसूस होता है, कैसे भी आपकी स्किन हो, आप इन प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को हर एक प्रोसीजर बताऊंगी कैसे आपको कैसे केयर करोगे। तो गाइस, इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, हम चलते हैं आगे। तो जो सबसे पहले आप लोगों के लेकर आई हूँ वो है सॉल्ट स्क्रब। सॉल्ट से हम क्या तैयार करेंगे, स्क्रब तैयार करेंगे अपनी स्किन के लिए, ताकि उससे आपकी जो स्किन है वो कर सके ग्लो और आपकी स्किन पे आए निखार, है ना। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है हम वो देखेंगे। आप लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपको हाफ कप क्या चाहिए, सी सॉल्ट। मैंने आप लोगों को पिक्चर्स पे गिवन कर रखे ताकि आप लोगों को सॉल्ट को पहचानने में इजी रहे। या तो आप सी सॉल्ट ले सकते हो या हिमालय पिंक सॉल्ट ले सकते हो। उससे क्या होगा, आप लोगों का स्क्रबिंग तैयार होगा। साथ में लोग कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल लेने से क्या होगा, जब आप कोकोनट ऑयल और सॉल्ट को मिक्सन करेंगे, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स कौन सी लेनी है, लेवेंडर ऑयल अगर आपके पास है फॉर अ फ्रेग्रेंस, उससे क्या होगा, आप लोगों का अरोमा एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा। तो अब आप लोगों को इसको बनाना कैसे है, आप लोग जो है एक बाउल लेंगे, उसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे, ऑयल मिक्स करेंगे और देन उसके बाद उसको पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जो है आप लोगों का गाढ़ा होना चाहिए, बहुत लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि पता चले आप लोग लगा रहे हैं और वो बह गया, नहीं, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा, मसाज करेंगे आप धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज करने का तरीका कैसे होना चाहिए आप लोगों का देखिए, ये 10 वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये अपवर्ड मोशन, ये 10 वन यहाँ पे करते 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 ये रोलन फॉर्म में सब जगह अच्छे से मसाज करें, नेक पे भी करें, ताकि जितना भी आपका टैनिंग है, आप लोगों का डलनेस है या आपकी डिहाइड्रेट हो रही है स्किन, तो वो सबको जो है आपकी स्किन दूर हो जाएगी नमक से और आपकी स्किन करेगी एकदम ग्लो, ठीक है गाइज। देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जो डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और सर्कुलेशन क्या होगा, वो प्रमोट होगा, मतलब सर्कुलेशन बढ़ेगा जब आप मसाज करोगे, और स्किन जो आप देखोगे ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। जिनकी स्किन ड्राई रहती है या बहुत सेंसिटिव रहती है, अपनी स्किन पर कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो कोकोनट ऑयल के साथ सॉल्ट का डालकर इस तरह से मसाज करें, ताकि स्क्रबिंग भी हो जाए और आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर नरिश रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट बाथ सोक। सॉल्ट बाथ सोक से आप समझ गए होंगे कि आप अपने नहाने में कैसे सॉल्ट का यूज कर सकते हैं और ऐसे अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्सम सॉल्ट आता है आपको वो लेना है, या सी सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को क्या लेना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो ना लें, पर लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा लेते हैं तो उससे आपकी ब्यूटिफिकेशन और बढ़ेगी। साथ में कुछ ड्रॉप एसेंशियल ऑयल्स के डाल लें ताकि आपका जो पेस्ट बने वो
जो है प्रेगनेंस वाला बने, वो आप लोगों की मर्जी है, डालें डालना नहीं डालना मत डालें, है ना। तो अब इसको करना कैसे है, आप अपने बात के लिए आपको अपने बाथ में हल्का सा लुकी वॉर्म वाटर या जितने भी आप वॉर्म वाटर से बाथ ले सकती हैं वो लें। उसके अंदर आपको अपना सॉल्ट ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड करना है और उसमें टब में आप 20 से 30 मिनट बैठें, है ना। उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो क्या होगी, डिटॉक्सिफाई होगी। डिटॉक्सिफाई होने से क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें आप लोगों का मसल्स जो है वो बिल्कुल क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, आपकी स्किन डिटॉक्स हो जाएगी, जिससे आपका जो ब्यूटिफिकेशन है, स्किन का निखार है वो बढ़ेगा, राइट। दूसरा, आप सभी को पता होगा, अगर हम लोग नमक, आपको पता है कि नमक जो है ना एक पॉजिटिविटी को भी करता, अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पे हम लोग नमक रखते हैं तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट करता है। तो अगर जिस तरह से आप बात लेते हैं नमक से, तो वो क्या क्रिएट करेगा, आपका पॉजिटिविटी, आपकी बॉडी को भी पॉजिटिव करेगा। नेक्स्ट इज सॉल्ट हेयर रिंस। सॉल्ट हेयर रिंस मीन्स कि कैसे हम अपने बालों में जो है सॉल्ट से बालों को हम क्योर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं अपने बालों की। तो उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, सी सॉल्ट चाहिए और एक वॉर्म वाटर चाहिए। तो अब आपको क्या है इसके अंदर, आप क्या करेंगे, एक वॉर्म वाटर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, आप डिसॉल्व करेंगे सी सॉल्ट को और उसको अपनी शैम्पू करने के बाद अपने बालों में से पानी को डालेंगे और निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे आप पानी डालेंगे उसको अच्छे से मसाज करें थ्रू आउट, उसके बाद क्या है, निकल जाएगा वो पानी। उससे क्या होगा, उसके बाद कूल वाटर में से अपने हेयर को वॉश कर लें, ताकि आपके जो बाल हैं उनमें किन किन के कईयों के बालों में ना ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑयल के प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, उनकी स्कैल्प ऑयली रहती है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार फंगस और बैक्टीरियाज पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो जब आप सॉल्ट वाटर डालेंगे तो क्या होगा, आपके हेयर्स ऑयली कम होंगे और आपका जो फंगस इन्फेक्शन या आपका बैक्टीरियाज जो है वो प्रमोट्स ज़्यादा नहीं करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट डिटॉक्स फूड सॉक। तो इसके अंदर क्या है, कैसे हम अपने पैरों से डिटॉक्स करें, ठीक है ना, सोक करके। तो सोक करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो है एप्सम सॉल्ट लेंगे, सी सॉल्ट लेंगे और क्या लेंगे, बेकिंग सोडा। तो इससे क्या होगा कि इप्सम सॉल्ट डालने से, हाफ कप ऑफ इप्सम सॉल्ट डालने से, या आपके घर में सी सॉल्ट होगा, सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं और बेकिंग सोडा डालें। उससे क्या होगा, आपके जब आप फूड सोक करेंगे, आपके बैक्टीरियाज और जितनी भी फंगस वगैरह आपके पैरों में लगी हुई है, ठीक है ना, आपके पैरों में पेन है, तो वो सब क्या होगा, रिलैक्सिंग हो जाएगा जब आप वॉर्म वाटर में इसको सोक करेंगे और बहुत अच्छे से जो है पैर क्लीन हो जाते हैं। और अगर आपके पैर में टैनिंग हो रही है, कहीं पैचेस पड़ गए हैं टैन की वजह से, अगर आप बेकिंग सोडा लगा के अपने पैर डिप करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक प्रिवेंशन मिलेगी, आपको दिखेगा कि वो जो स्पॉट्स हैं वो काफ़ी लाइट हो रही है। नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड हर्बल फेस मास्क। कैसे बनाएंगे हम, इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। तो क्या लेना है हमें, पहले 1 टेबल स्पून हमें लेना है ग्राउंड सी सॉल्ट। पहले हम 1 टेबल स्पून सी सॉल्ट लेंगे, 1 चम्मच हम हनी लेंगे और क्या लेंगे, ओट्स 1 चम्मच आप लेंगे, ओट्स, ओट्स का पाउडर, ठीक है ना, ओट्स को पीस लेंगे देन उसका पाउडर। ये आप जो है स्किन, कौन सी स्किन पे लगा सकते हैं, एवरी स्किन पे, आपके कोई भी स्किन हो आप उस पे स्किन पर आप ये प्रोसीजर अगर आप करते हैं तो आप रियली देखेंगे कि इससे ना बहुत अच्छा ग्लो शाइन लुक आता है, जो आजकल कहते हैं ना कोरियन लुक आ रहा है, ग्लासी शाइन लुक आ रहा है, तो आपके फेस पे वो नेचुरली ग्लासी शाइन लुक इसके मेथड से आ जाएगा।
आपको बनाना कैसे है इसका, थिक पेस्ट बनाना है। पहले आप एक चम्मच जो आप ओट्स लेंगे उस पाउडर में आपको एक चम्मच हनी और एक चम्मच क्या डालना है, सॉल्ट डालना है। मिक्स करके थिक पेस्ट बना लीजिएगा, ताकि उस पेस्ट को फिर आप क्या करेगा, हल्का सा पेस्ट लेके ना स्क्रबिंग कीजिएगा, फेस पे मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़ दिया, वो जो है हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। देन उसके बाद फेस पे हल्का हल्का रगड़ रगड़ के उतारिएगा। रगड़ने से आपकी स्किन खींचेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हनी है, ठीक है। रगड़ रगड़ के उतारिएगा, उससे क्या होगा, आपकी जो डेड लेयर्स हैं यहाँ पर, स्किन जमी हुई है डेड स्किन, वो सारे के सारे उसके साथ ही उतर जाएगी और आपकी स्किन को देगा बहुत अच्छा ग्लो, एकदम क्लास स्किन ग्लो। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये सब जो मैंने आपको नॉलेज दी है सॉल्ट से रिलेटेड, नेचुरल तरीका है, ये आप लोगों के घर में ही अवेलेबल है, तो आप इसलिए ईजली इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे और भी अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को और भी टिप्स मिले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो गाइस, इसी वीडियो के साथ अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोगों को, तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस, बाय बाय।